अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अपने ईमान में रखे, ढेरों ढेर खुशियाँ दे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी नन्नी मुन्नी परियों के लिए फ्रॉक के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ पर है। ईद उल अज़हा के लिए बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गोटी लेस इस्तेमाल की गई है, थोड़ा बहुत जो है ना गोटा वर्क किया गया है, कढ़ाई की गई है, डिफरेंट आइडियाज़ हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि ईद पे हम बिल्कुल सिंपल ड्रेस भी जो है ना नहीं रख सकते। दूसरा ये कि ईद पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारी कोशिश होती है कि जो ड्रेसेस है वो कंफर्टेबल से हों। सो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ जो हैं आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। सो वीडियो के अंत तक वॉच करें, और ये मेरा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से वीडियोस देखकर नए नए डिज़ाइनिंग के जो आइडियाज़ हैं वो अप्लाई कर सकें अपनी नन्ही मनी बच्चियों के लिए, अपने लिए। इंशाल्लाह ताला अब बहुत सारी वीडियोस आएंगी मेरे इस चैनल पर। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि किस किस ने ईद की तैयारी जो है ना वो बिल्कुल कर ली है। वैसे तो बड़ी ईद पर ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी कोशिश होती है कि जो पिछली ईद पर ड्रेसेस बनाए हैं या जो गर्मियों के लिए ड्रेसेस बनाए हैं ना, उन्हीं में से कोई ड्रेसेस जो है ना वो हम अपनी बच्चियों के लिए अपने लिए सिलेक्ट करके रख लें। लेकिन कुछ लोग बाकायदा से तैयारी करते हैं, अल्लाह पाक उनको मज़ीद दे तैयारियाँ करने की हिम्मत दे। सो मुझे दें जी इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।